नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली डायरी न्यूज में। पेंटर और आर्टिस्ट कोटा नीलिमा जी ने हमें बताया कि आज के समय में प्रकृति से जुड़े रहना कितना जरूरी है। जी हाँ, यही उन्होंने अपनी पेंटिंग्स के थ्रू भी दर्शाया कि प्रकृति हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और कोटा नीलिमा जी की सभी पेंटिंग्स में एक अद्भुत और एक बहुत ही समझ वाली कला थी। आइए देखते हैं उनकी कुछ पेंटिंग्स और आइए जानते हैं और कोटा नीलिमा जी ने प्रकृति और चांद के अलग अलग रूपों के बारे में क्या बताया। क्योंकि हमें सबको मालूम है, सबकी मुश्किलें आती हैं, थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो जब ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो किसी तरीके से उनका समाधान नहीं कर पाए और हमें जानता ही है कि नहीं कर पाए, तो फिर हम उसके उस प्रॉब्लम को रियलाइज करते हैं। और भाषा मेरे हिसाब से समाधान से एक विश्वास से मिलता है कि जो विश्वास पॉपुलर है हम रिलीजन या फिर भगवान या कोई आइडिया में नहीं सकते, बट वो सबका सोर्स तो हमारे अंदर ही, समाधान का सोर्स जो है वो हमारे अंदर है, अंदर है बाहर। तो ये मैं अपने कला के थ्रू ये मैसेज करना चाहती हूँ। मैम, मैंने सारी पेमेंट देखा एक मोन के ऊपर आप जी कोई भी करो, उसी का मतलब आपने अलग अलग चांद के अलग अलग रूप दिखाए हैं हर एक महीने की। इसीलिए क्योंकि मुझे लगता है कि हम जो नेचर से जो सीख हमें मिल सकती है, जो गाइडेंस हमें मिल सकती है, वो क्योंकि हम शहरों में रहते हैं और हमारे आसपास पेड़ पौधे और नेचर के जगह पे हमारे पास रोड बिल्डिंग और मेट्रो स्टेशन होते हैं, बट हमें जो हमारे ग्रुप हमारे जो सब सोच की हमारी लाइफ की जो इच्छा भारी जो पहले गुरु जी ने मान वो तो नेचर की हुआ और इसीलिए मैं उनसे प्रस्तुत। मैम, तो आजकल की जिंदगी में जैसे मेट्रो बन जाती है, मतलब पेवमेंट कट, इतना ज़रूरी है ये वातावरण, स्वच्छ हवा और मून लाइट, सन लाइट, ये सब कितना जरूरी है क्योंकि हम लोग कभी नहीं समझते जी। आपको अपनी जिंदगी में सन लाइट सब में विटामिन डी की दवा भी आई थी आजकल, कभी देखिए हमारे शरीर में तो आई नहीं जी, हमारे सोल में भी आई, हमारी आत्मा में भी डेफिशिएंसी आई। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम किसी जैसे कह रही हूँ विश्वास को हम हमेशा बाहर क्यों हम विश्वास करें, जबकि हम ही हर चीज़ के सोर्स, हम ही है हर चीज़ के सोर्स। तो डेफिशिएंसी हमें जस्ट विटामिन डी की ही नहीं, हमारे आत्मा की भी डेफिशिएंसी है कभी कभी ठीक करते हैं। आप पेंटिंग्स की बात करते हो तो एक पेंटिंग करने में आपको कितना समय लगता है? जी, हर एक पेंटिंग करने में थोड़े ऐसे पेंटिंग है जो बहुत समय लगता है, इसीलिए नहीं क्योंकि टेक्निक मुश्किल होती है, तो इसमें तो समय लगता है कि मैं ऑयल पेंटिंग करती हूँ, बट इसीलिए नहीं क्योंकि उसके पीछे जो सोच है वो कभी कभी इतना डीप और इतना डिफिकल्ट होता है कि एक बार में आप पेंटिंग कर सकते हैं। मैं अनफॉर्चुनेटली ऐसे पेंटिंग नहीं करती हूँ जो बाद में या दो बार में, मैं इसलिए ज़्यादा पेंटिंग प्रदर्शनी देखती हूँ, प्रदर्शनी ज़्यादा करती हूँ, करती हूँ बहुत शांति और धीरे धीरे और हर एक पेंटिंग में अपने अपने जिंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट एक सोच, एक समय उसमें लगाया है और
देना पड़ता है क्योंकि हम प्रकृति से दूर हैं। नाम आप ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हैं। लास्ट बात कि आप आजकल के यंगस्टर्स को जो इस बार दूर हो गए हैं और इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है। जी 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 थोड़ा पेंटिंग करना तो इतना बिजी रहे थे अगर बस पार्टीज और ये तो आप यंगस्टर्स को क्या सीख देना चाहते हैं कि कला हमारे जीवन में कितनी ज़रूरी है। तो यशिका मेरा अनुभव ये रहा कि जो यंग लोग हैं वो कला में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहते हैं और जबकि उनकी लाइफ मुझे लगता है बहुत सही तरह से बिजी रहते हैं उनके प्रोफेशंस उनके जो भी एम्बिशंस हैं वो करना भी चाहिए क्योंकि वो सारे आपको आइडेंटिटी देते हैं आप कौन हैं आपके काम से पता चलता है। तो पर ये भी है कि उसके साथ साथ वो भूल भी रहे हैं कि वो और क्या हो सकते हैं और वो समाधान उनको करा सकते हैं। सो मुझे तो लगता है कि इस जनरेशन के जो नई पीढ़ी है उनको वो हमें सिखाए कि कैसे दो चीज़ों को जैसे आपकी वर्ल्ड आपके प्रोफेशन और आपकी फील्ड दोनों को कैसे बैलेंस करना है। मुझे लगता है नई पीढ़ी थैंक यू सो मच।